देख रहे हैं अंबर टाइम। विजयादशमी पर्व के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन निकाला गया। सुबह राजमहल बस्ती का पथ संचलन महलवाड़ा परिसर से निकला, जो बाजार क्षेत्र में अनुशासन के सधे कदमों के साथ निकला। इससे पहले परंपरा अनुसार बौद्धिक का आयोजन किया गया, जहां जैन मुनि ने प्रेरणा उद्बोधन देते हुए मार्ग प्रशस्त किया। वहां बोलना कि भारत देश में अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, बढ़िया से बढ़िया फल मिलते हैं, कभी भी हमारे देश को बदनाम नहीं मत करना। तब उस विदेशी नागरिक ने कहा, इसलिए तू नीचे उतरा, वेरी गुड। ऐसे इस देश में देशभक्त नागरिक रहते हैं, कमाल की बात है। तब उन्होंने कहा, अब मेरे देश में जाकर कहूंगा इंडिया बहुत अच्छा है, वहां जो चाहे वहां हर चीज मिल जाती है। बौद्धिक के बाद कदम ताल करते हुए संघ के स्वयंसेवक शक्ति, साहस और शौर्य का परिचय देते हुए नगर भ्रमण पर निकले। महलवाड़ा बस्ती का यह पथ संचलन अपने क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः महलवाड़ा पहुंचकर विसर्जन हुआ। मंगलवार को दशहरा पर्व मनाया गया। सुबह पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार में पुलिस प्रशासन ने विधि विधान से हवन पूजन किया। पूजन में पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा, कलेक्टर भास्कर लक्षकार, एसपी राकेश खाका, सीएसपी अभिनव वारंगे, आरक्षित निरीक्षक सूबेदार सहित थाना प्रभारी एवं अमला उपस्थित था। पूजन के बाद शस्त्रागार में रखे पुलिस हथियारों का पूजन किया गया। बाद में हर्ष फायर कर दशहरे पर्व का जश्न मनाते हुए पर्व की शुभकामनाएं दी गयी। पुलिस कप्तान ने पुलिस वाहनों का भी पूजन किया और दशहरे पर्व की शुभकामनाएं दी। सोमवार की रात नवमी पर्व पर शहर में रात भर डांडिया की गूंज गूंजती रही। झिलमिलाते गरबा पांडालों में रात भर गरबा नृत्य कर माता रानी की उपासना की गई। मंगलवार की तड़के सुबह से विजयादशमी पर्व मनाया गया। दशहरे पर्व पर शक्ति की भक्ति की देवी मां जगदम्बे की उपासना के नवरात्रि पर्व का समापन किया गया। Yeah.
सुबह से बैंड बाजों और ढोल के साथ विसर्जन चल समारोह निकलने शुरू हो गए थे। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। माता के भक्तों ने कालिका माता स्थित झाली तालाब हनुमान ताल में औपचारिक विसर्जन की व्यवस्था की थी। निर्धारित स्थानों से नगर निगम ने माता रानी की मूर्तियों को ले जाकर माही नदी सहित आसपास की नदियों में विसर्जित किया। विधानसभा चुनाव के तहत जिले में वाहनों की चेकिंग सतत चल रही है। उसी के तहत सोमवार को सातरुंडा चौकी पर बस की चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल से अधिक चांदी मिली है। चांदी को जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र 219 की SST टीम द्वारा सातरुंडा चेक पोस्ट पर अपने रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान दोपहर में जब कोरियर वाहन को चेक किया, यह वाहन इंदौर से रतलाम आ रहा था। वाहन रोककर चेकिंग करते समय राम कुमार पिता खूबी राम परमार उम्र 25 वर्ष निवासी आगरा हाल मुकाम 22 मार्तंड चौक गुरु कृपा इंदौर से लगभग 155 किलो चांदी मिली। 3 सफेद थैलों में मिली चांदी की सामग्री के दस्तावेज मांगने पर संबंधित से केवल 121 किलो वजन के बिल पेश किए गए हैं। शेष 34 किलो के बिल पेश नहीं किए जाने पर SST टीम द्वारा विधिवत जब्त की गई है। टीम द्वारा जब्त सामग्री कोषालय में जमा की जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। CSP अभिनव वारंगे ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया। ये सालाखेड़ी चौकी अंतर्गत ये SST की जो हमारी टीम लगी हुई है, इन्होंने शाम को वाहन चेकिंग के दौरान एक कुरियर गाड़ी पकड़ी है जिसमें कुछ सोना मिला है। ये इंदौर से लाया जा रहा था और रतलाम में अलग अलग ज्वेलर्स के यहाँ डिलीवर होना था। लगभग 38 इसमें आर्टिकल्स मिले हैं जिसका अलग अलग वजन है। मौके पर GST और इनकम टैक्स की टीम उपस्थित है और राजस्व और पुलिस अधिकारी भी हैं। इनकी उपस्थिति में इसका माल का परीक्षण किया जा रहा है और इनके बिल चेक करने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना सोना है इसमें और इसमें ये अलग अलग अभी आर्टिकल है, इसका टोटल वेट अभी सामने नहीं आया है और कीमत भी अनुमानित जो है इसमें लगभग 5 करोड़ के आसपास की हो सकती है, जो पूरा आकलन करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी सर, सतरुंडा के पास भी कोई कार्रवाई हुई है जिसमें भी सोना? अभी इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसी पे फोकस कर रहा था। साल कालिका माता मंदिर परिसर में नगर निगम के सांस्कृतिक मंच पर सोमवार की रात भजन संध्या का आयोजन किया गया। आशा वैष्णव की भजन संध्या ने अपनी सुरीली आवाज से सजे माता रानी के भजनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक से बढ़कर एक भजनों और भक्ति गीतों के तरानों ने दर्शकों को बांधे रखा। I'm
देख रहे हैं अंबर टाइम।